नमस्कार भव्य श्री न्यूज से मनुपुर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को क्या हो गया है? आज वो किस दुनिया में विचर रहे हैं कि भारत के विषय में अपनी ऐसी नजरिया दुनिया के समक्ष प्रकट करते देखे जा रहे हैं और भारत को उन देशों के नाम के साथ वो रेटिंग दिया। ऐसा व्यवहार तो तब देखा जाता है जब कोई आतंकी देश या फिर जिस देश से हाथ न मिलाने का मन या सोच रखा जाता हो। यहाँ तो ट्रंप भारत से हाथ मिलाते हुए भारत का गुणगान करते नहीं थकते। वहीं जब अमेरिका के लोगों को भारत न जाने की सलाह दी गई है, साथ ही हम यह बता दें कि भारत को 4 रेटिंग दी गई है, इससे बेहद खराब और चौंकाने वाली बात भला और क्या हो सकता है। 23 अगस्त को ट्रंप सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें अमेरिका के नागरिकों को भारत नहीं जाने की सलाह दी है। ऐसा क्यों सवाल है और बात चिंतनीय भी है, आइए कुछ अनुमान लगाते हैं। जैसा कि भारत का नाम तो अमेरिका के लिए सर्वोपरि था, फिर ये सीरिया, ईरान, यमक, इराक, पाकिस्तान जैसे देशों के साथ क्यों शामिल किया गया है जहां भारत को 4 रेटिंग में शामिल किया गया है। वहीं उपरोक्त सभी देशों का भी नाम शामिल है। ट्रंप भारत को उन खतरनाक या आतंकवाद देशों में शामिल करने का रुख अख्तियार कर रहे हैं, अगर नहीं तो फिर आखिर इसका ठोस कारण क्या है? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया तो फिर अमेरिका का मनसा क्या समझा जा सकता है भारत के प्रति? क्या हम यह सोच ले कि आतंकवाद, बढ़ते अपराध, गृह युद्ध या फिर कोरोना महामारी की वजह से यह रेटिंग दी गई है? लेकिन यह कितना उचित है? यह एडवाइजरी अमेरिका में रहने वाले लोगों या फिर भारत में जो रह रहे हैं उन्हें नागवार गुजरा, ऐसा प्रवचन उद्देश्य उन्हें नहीं देना चाहिए था? या फिर भारत के लिए अगर ऐसा कोरोना महामारी जैसी चिंतनीय बात थी तो अलग से उन्हें स्पष्ट करना चाहिए था। जब तक महामारी की स्थिति सामान्य न हो जाए तब तक अमेरिका के नागरिक भारत न जाएं। मगर यह गोलमोल बात एक राष्ट्रपति को देना कितना उचित है, ये ठीक नहीं।